अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिजीज को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ब्रुसिलोसिस। ब्रुसिलोसिस के नाम से ही जहर है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। और ब्रुसिलोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया का नाम है ब्रुसेला ब्रोटस नाम है उसका बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। ये डिज़ीज़ जब होती है ना तो इसके मेन साइन एंड सिम्टम में ये आ जाता है कि अगर ये नियर टू पाचुलेट होती है, ठीक है, और प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है और अबॉर्शन काज करवाती है, जो इसका एक टिपिकल साइन है कि अगर किसी जानवर में आप ब्रुसिलोसिस कहते हैं कि जानवर क्या है उसकी प्री मेच्योर बर्थ हो जाएगी। सम एनिमल में ये साइन बड़ा कॉमन होता है, उसके बाद टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हो जाती है, एनिमल स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद ब्रुसेला टेस्ट होता है। आप उसकी वजह से भी ना इस डिज़ीज़ को ना डायग्नोज कर सकते हैं। तो अगर किसी जानवर में ब्रुसेला हो जाए तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें उस जानवर को फिर फौरन दूसरे जानवर से अलहदा कर देना चाहिए, उसको क्वारंटीन में रखना चाहिए, और जो इसके कंट्रोल में आ जाता है कि आप उस जानवर को जिसको ब्रुसेला हो गया है ना आप उसको स्लॉटर कर दें, कल कर दें उसको ना, बस अपने शेड से अपने फार्म से ना दूर भगा दें। स्लॉटर करना इज़ बेस्ट ऑप्शन है। और इसकी जो प्रिवेंशन और कंट्रोल में आ जाता है, आप अपने जानवर की बायोसिक्योरिटी, यार आपको मैं हर वीडियो में बार हाँ कहता हूँ कि जानवर की बायोसिक्योरिटी और उसके एनवायरनमेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ज़्यादातर बीमारियाँ 50% बीमारियाँ ना आपकी जानवर को रखने के तौर तरीके की वजह से हो जाता है कि जानवर किस जगह पे रह रहा है। अगर आपकी बायोसिक्योरिटी बिल्कुल 100% ओके है, एक्यूरेट है, तो आप 60-70% डिजीज से ना अपने जानवर को बचा लेते हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा, इसके पार्ट नंबर 2 में भी आप हमारे जो ट्रीटमेंट है उसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले कि मैं ट्रीटमेंट की तरफ जाऊं तो आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और दूसरों को भी। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी हमने बड़े ही डिटेल में सारी डिजीज़ को बताया होगा। इसके अलावा हम ना आप मेरे को हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने किसी भी डिज़ीज़ के बारे में कोई भी मशवरा लेना है, किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें उनसे रब्ता कर सकते हैं।